Assalamu alaikum, beautiful people. Welcome to another vlog. You are watching Roastel to Raidani. Aj so ta kya si table tagat tigawa ta susne so khane na ko review si magar khane na review aj nahi honga. Aj PTI ne bare ch ko galna usan. Ab had a few people who said if you are a PTI supporter ko thodi bahuti galna chalo bhai aur Imran Khan is sportage. तो मैं चलो ट्राई करने हैं, मगर मुझे लोगों ने कहा कि इमरान खान की सपोर्ट में कुछ बोलो. मैंने कहा मैं इमरान खान की सपोर्ट तो करता हूँ, बहुत करता हूँ, मगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में इतना ना तो जानता हूँ, ना तो मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात कर सकता हूँ. मगर उन्होंने कहा कि कुछ ना कुछ इमरान खान की सपोर्ट में प्लीज़ बोल दो, बिकॉज़ आप का चैनल है, आप उधर अगर बोलेंगे तो शायद थोड़ी बहुत ही आवाज़ आगे जाएगी. या तो बहुत बड़े बड़े सहाफ़ी हैं जो अपने चैनल पर बोलते हैं, मगर दूसरे इमरान रियाज खान का जो सुना था बहुत अफसोस हुआ, जो उसको उन्होंने पकड़ कर अंदर किया हुआ था, काफ़ी दिनों उस पर जुल्म करते रहे और अल्लाह ताला उसको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे और उसको जल्द रिहाई मिले. आज कुछ न्यूज़ में झलकी देखी है कि उसको रिहा कर दिया है, तो उम्मीद है कि ये बात सच हो और उसको रिहाई मिल गई और अपने फैमिली के साथ वापस जाकर अपना टाइम गुजारे. और वो जो प्रोग्राम किया करता था, बहुत अच्छे प्रोग्राम करता था, पाकिस्तान के बारे में मालूमात होती थी और सच बोलता था हमेशा. यही बात है, सच बोलने वाले जो होते हैं ना वो हमेशा कड़वे लगते हैं बंदों को. तो दूसरी बात जो थी ना, ये जो मरियम नवाज़ और मरियम औरंगज़ेब, नाम तो इनके अच्छे हैं मगर करतूत इनके जैसे नो, बहुत क्या बोले नो, बंदा कुछ कह ही नहीं सकता नो, ऐसे करतूत हैं इनके. पूरी फैमिली इनकी ऐसी है, पाकिस्तान को इन्होंने लूट कर खा लिया और पीछे बस गरीब गुरबाएँ बचे हैं, तो उनको भी इनकी मर्ज़ी है कि उनको भी निचोड़ कर खा जाएं. दूसरी बात जो थी ना, ये मरियम नवाज़, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, सबको इनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी कि जब इमरान खान को इन्होंने पकड़ा हुआ था और जब कोर्ट में हाज़िर हुआ तो जज ने इमरान खान को बोला वेलकम इमरान खान साहब, तो इमरान खान को वेलकम ना बोलेगा तो और क्या बोलें. काम ही ऐसे करता है, अच्छे काम करता है तो उसको वेलकम ही करना पड़ता है ना. तो आप अच्छे काम करें तो आपको भी लोग वेलकम करेंगे. ये नहीं, आपने करतूत ऐसे किए हुए हैं तो आपको वेलकम कौन करेगा. अच्छे काम करेंगे आप भी तो आपको भी वेलकम करेंगे. ये जो आपकी वेलकम होती है ना, जहाँ जहाँ निकलते हैं तो कहते हैं चोर, ये चोर, फलाना चोर, तो आपने ऐसे काम किए हुए हैं तो इसलिए आपको ऐसे बस जवाब मिल रहा है. दूसरी बात जो है ना, कि आप ख़ुद कहते हैं कि हम बैगर्स हैं, हम चूजर्स नहीं, हम बैगर्स हैं. तो एक बात याद रखें, बैगर्स को वेलकम कौन करता है नो. आप अपनी बात ही समझ सोच लें, या हम जब जाते हैं कहीं आगे पीछे कोई शॉपिंग के लिए, वहाँ कोई हमारे पीछे पड़ जाता है, बैगर को आ जाता है, इधर से आ जाता है, कोई उधर से आ जाता है, तो क्या आप उसको बोलते हैं वेलकम वेलकम वेलकम? आप उसको वेलकम करते हैं? नहीं करते, क्योंकि वो आप उसको कहते हैं कि ये बैगर्स आया, ये मांगने आया, तो फिर आपसे आपको कौन वेलकम करेगा, आपको कौन कहेगा वेलकम वेलकम? बात तो बड़ी नो, आपने अजीब बात कही कि इमरान खान को वेलकम कर रहे हो और आपको कौन वेलकम करेगा जब आप ख़ुद कहते हैं हम बैगर्स हैं. तो बैगर्स को कोई नहीं वेलकम करता. तो आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है. मगर एक और बात जो इमरान खान ने अपने अवाम के लिए 12,000 रुपया उसने महीने का सेट किया था, तो आपने वो आते ही साथ वो ख़त्म कर दिया. और जो उसने राशन कार्ड बनाया था, मेडिकल कार्ड बनाया था, वो भी ख़त्म कर दिया, तो फिर आपको कौन वेलकम करेगा यार? आप काम ऐसे उल्टे कर रहे हो तो फिर कहते हो कि हमें वेलकम नहीं को कर रहा, और हमारी ये हो रही है, फलानी हो रही है, बेइज्जती हो रही है. तो इज्जत वाला को काम करो. 12,000 आपने उसका काट कर और 2,000 आपने बोला, वो भी महीने का नहीं, वो 2,000 हम देंगे, उसके साथ सिक्योरिटी देंगे. सिक्योरिटी इसलिए कि 2,000 आपसे कोई छीन ना ले. ओ यार, 2,000 में आजकल क्या मिलता है? टमाटर 800 के 9 किलो हो गए, 800 रुपये का टमाटर किलो हो गया, तो 2,000 में बंदा हांडी पकाएगा कि क्या करेगा?
अजीब है यार, अजीब यार, मेरे से तो इतनी बातें हो सकेंगी। इमरान ख़ान को अल्लाह ताला सेहतियाबी दे और दुआ है कि इमरान ख़ान वापस जल्द आ जाए। उसकी पार्टी के लोग इन्होंने डरा धमका कर उसको पार्टी के बंदे अलग कर रहे हैं यार। ये सरासर गुंडागर्दी है। ये जो हम ड्रामा देखते थे ना, एतरोल वाला ड्रामा, उसमें मंगल्स आते हैं और कई कबीले के और दूसरे कबीलों के जो सरदार हैं उनको पकड़ कर ले जाते हैं ताकि इनका सपोर्ट करने वाला कोई ना बचे। यही बस यही ये कर रहे हैं नो, उसके सपोर्ट वाले बंदे उठा उठा कर लेकर जा रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं कि तुम पार्टी छोड़ो, इसको अकेला कर रहे हैं ताकि अकेला कुछ ना कर सके और उसके बाद ये पीटीआई की पार्टी ख़त्म हो जाए और फिर हमारा राज, गुंडा राज जो है ना, फिर शुरू हो जाए। यार ये पूरे एक फैमिली के बंदे इनो आकर उधर बैठ जाते हैं कुर्सी पर, एक उतरता दूसरा बैठ जाता है, दूसरा उतरता तीसरा बैठ जाता है। तो एक और बात मैंने उस दिन देखी कि इलेक्ट्रिक पर जो टैक्स लगा हुआ है, कुछ 3-4 टैक्स लगे हुए हैं। एक जरदारी के खाते में जाता है, एक नवाज शरीफ के खाते में जाता है, मरियम के खाते में, शहबाज शरीफ के खाते में जाते हैं, इतने इतने टैक्स लगे हुए हैं। तो फिर अवाम कैसे उठे यार, अवाम कैसे उधर गुजारा करेगी, इतने इतने टैक्स। अब 5-6 हुकूमत इन्होंने, जो पार्टी एक बनी हुई है पीडीएम की, ये सारे अपने अपने टैक्स अलग अलग लगा रहे हैं कि हमारे पेट भरन हो। आपके पेट कम से भरे हुए हैं नो, मगर फिर भी आप लालच कर रहे हैं नो कि और मिले और मिले। यार कितना साथ लेकर जाएंगे, वो कब्र में एक पैसा भी नहीं जाएगा। तो पहले जो हमारा एक, मैंने एक और भी नोटिस किया, मैंने अकाउंट जब मैं पाकिस्तान गया, अकाउंट ओपन किया और उसमें पहले कोई टैक्स नहीं लगता था। मैंने स्टेटमेंट पर देखा 2-3 जगह कोई नो काट रहे हैं। मैंने वो बैंक के मैनेजर से पूछा ये क्या हो रहा है, उसने बोला ये गवर्नमेंट टैक्स है, 117 रुपये एक तरफ जाता है और 27 रुपये एक तरफ जाता है, और कुछ पता नहीं कितने कितने नो ये गवर्नमेंट टैक्स के जा रहे हैं, कोई पता नहीं किधर से आते, किधर किधर कैसे जाते हैं, कोई समझ नहीं आ रही किस चीज़ का टैक्स लगा हुआ है। यार ये हद होगी नो, इन हर चीज़ से नो टैक्स काटा जाता है। और अब तो जैसे मैंने बोला कि 3-4 पार्टियाँ नो इकट्ठी हो गई, तो सबको अपना अपना नो टैक्स चाहिए। तो चाहिए कहाँ से, जो गरीब आवाम है उनसे निचोड़ कर नो चाहिए इनको। पहले भी इनके मिलियंस मिलियंस लाखों के मकान इधर पड़े हुए हैं, लंदन में पड़े हैं उधर। यार इतने बड़े बड़े मकानों का क्या फ़ायदा, जब आप खिड़की खोलते हैं तो उधर से कोई बोलता है चोर चोर चोर, तो जब आप दरवाजे से बाहर निकलते हैं फिर बोलता है कोई चोर चोर। यार उम्रे पर जाते हैं तो उधर लोग आपको बोलते हैं कि चोर आ गया चोर आ गया। कैसी ज़िंदगी है यार, इनो ये छोड़ो सब कुछ, ख़त्म करो इसको, पाकिस्तान की हुकूमत चलाने दो। वो जैसा कर रहा था ना, अवाम के लिए कर रहा था, उसकी उसके अपने जाति के लिए कुछ नहीं है नो, वो अवाम के लिए बेहतरी कर रहा था, इसलिए सब उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप ये जो उसने किया था ना सब कुछ बंद ना करते, तो आपकी आज जो ये सब कुछ हो रहा ना, ये ना होता है नो। और इमरान ख़ान को या अल्लाह ज़िंदगी दे, और हम दुआ करते कि इमरान ख़ान वापस पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बने और पाकिस्तान की हुकूमत सही तरीके से हो, और सब उसकी पार्टी वाले जो उसके साथ अब साथ लोग छोड़ रहे हैं, मगर दूसरी तरफ उसकी पार्टी में कई सारे लोग आ भी रहे हैं। तो सच का साथ देने वाले भी बहुत होते हैं। एक ये डरावा कर रहे हैं, ऐसे बंदे को डरा रहे हैं, मगर वो जो ऊपर बैठा देख रहा है ना, वो आप एक दिन उसकी लाठी जो है ना जब पड़ेगी ना, तो फिर आपको पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, मैं इस वीडियो को यहाँ ही ख़त्म करता हूँ। कोई अगर गलती कोताही हो तो माफ़ करना। ठीक है जी, अल्लाह सुनने वाला है।